एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है जावा। ऑब्वियसली जिस चीज के लिए हम कोर्स से लॉन्च किया है जावा, अब हम इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड आगे पढ़ने वाले हैं कि इस जावा होती क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुई है, इसके फीचर्स क्या है, क्या इसमें ऐसे फीचर जो इसको बाकियों से अलग बनाते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ा था कि कंप्यूटर में जब कंप्यूटर ओरिजिनेट हुए थे कितने टाइप की लैंग्वेज आई थी, लो लेवल, हाई लेवल, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, एंड उनको कैसे कन्वर्ट किया था, उनके कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज जावा। इतना समझ आ गया कि हाई लेवल लैंग्वेज आई, उसके थ्रू वो लैंग्वेजेस क्या करते थे, वो क्यों लाए, जैसे कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने थे, जो हमें कंप्यूटर से काम करवाना था। कंप्यूटर तो बना लिया, लेकिन कंप्यूटर को काम कैसे करेंगे वो भी तो एक चीज हमें सीखनी पड़ेगी। तो उस चीज के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आई। हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए, जिससे कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं, अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फर्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर जाना था, सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, कैसे बनते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, उसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आएगी तो जावा की बात आएगी। क्यों? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स एंड इट वॉज ओरिजिनेटेड इन 1995। ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब इसके पहले भी और लैंग्वेजेस आई, और इसके आपको पता होगा बहुत लोगों की पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा, उन्हें पता होगा कि और भी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है जावा के अलावा। तो जावा में ऐसी क्या खास बात है कि जावा मार्केट में आई, अगर इसके पहले भी लैंग्वेजेस थी तो उन पर काम, क्या काम ऐसा नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से जावा को आना पड़ा। इस मॉड्यूल में हम यही जानेंगे जावा के बारे में, जितनी भी बेसिक चीजें हैं, क्या क्या और क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, जावा किस किस चीज में काम कर सकता है, हम इस मॉड्यूल वन में हम यही जानेंगे। ठीक, इट रन्स ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज, मैक ओएस। आपको ही पता है, अगर हम कंप्यूटर की फील्ड की बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। कोई एप्पल का लैपटॉप चला रहा होगा, कोई आईपैड चला रहा होगा इस समय, कोई मोबाइल यूज कर रहा होगा एंड्रॉइड, कोई विंडोज लैपटॉप बैठा होगा, या कोई यूनिक्स चला रहा होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। तो अगर मुझे, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और मैं चाहती हूँ वो सबके मोबाइल पे काम करे या सबके लैपटॉप पे काम करे, तो मुझे एक ऐसी लैंग्वेज भी चाहिए। आपको ही पता होगा बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है मार्केट में जो सिर्फ एंड्रॉयड पे चलते हैं, मैक पे नहीं चलते, या मैक पे चलते हैं एंड्रॉयड पे नहीं चलते। क्यों? उनमें यही डिफरेंस होता है कि उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन जावा जो है, जिस लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर काम करती है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे वो उस पर करती है। नेक्स्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मे बी आपने ये नाम सुना हो, मे बी ना सुना हो। नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं, सुना है तो ये जान लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, सिंपल सी बात, कि जावा में जो कुछ भी है, चाहे आप फंक्शन बनाओगे, चाहे कुछ भी आप बिल्ड करोगे, सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़ा हो गया, कोई छोटी सी क्लास बनाओगे, हर चीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे रियल वर्ड में बात करूं कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो एक कोई वस्तु। तो यहाँ पर भी जितनी भी चीजें आप यहाँ बिल्ड करोगे, एक कोई वस्तु या एक कोई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप उसे यूज करोगे। अब इसका मतलब क्या है हम आगे जानेंगे। इट इज यूज टू डेवलप, अब इसके यूजेस क्या है, मेनली जावा इज यूज टू डेवलप डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड सो ऑन। नाउ वी विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ जावा। ये 12 फीचर्स हैं जो जावा को बाकियों से अलग बनाते हैं। कुछ कुछ फीचर्स बाकी लैंग्वेज में भी कॉमन है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिर्फ जावा नहीं है, पाइथन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी प्लस प्लस ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके मल्टी थ्रेडेड सिस्टम की, तो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम में सिर्फ 11 फीचर है, वो हर किसी में नहीं है, सी प्लस प्लस इज नॉट, है ना। ऐसे बहुत सारे फीचर है, मैं किसी लैंग्वेज का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही, बट ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अभी हमें जावा पे फोकस करना है, तो इन फीचर्स को डिटेल में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। फीचर्स ऑफ जावा, फर्स्ट फीचर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंपल। इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बताया आपको कि जावा में जो है सब कुछ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। जावा कैन इजिली बी एक्सटेंडेड सिंस इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मॉडल।
जावा को इजीली एक्सप्लेन करा जा सकता है, उसका मतलब क्या है। ये जो हम जावा पे काम करेंगे, ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे मेनली, मे बी मॉड्यूल 6 या मॉड्यूल 7 के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर हम काम करेंगे, तब आप समझ पाओगे ऑब्जेक्ट का फायदा क्या होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अभी बात करें कि जावा जब कंपाइल होती है या जावा के प्रोग्राम जो होते हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपाइल्ड टू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब सिर्फ एंड्रॉइड पे ही काम करेगा या सिर्फ विंडोज पे ही काम करेगा। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो अभी हम बात कर रहे हैं लैपटॉप्स की, लेकिन आजकल एंड्रॉयड एंड मैक ज्यादा चल रहे हैं, आप लोगों नाम सुना इसलिए मैं एंड्रॉयड का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, विंडोज मैक इनकी बात हो रही है, प्लेटफॉर्म का मतलब है विंडोज मैक लाइनक्स, आपने नाम सुना होगा लाइनक्स का, रेदर देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट। जावा के पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जब आप जावा पे काम करते हो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वहां हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा वर्चुअल मशीन होती है। इसके नाम में ही, इस वर्चुअल मशीन के नाम में ही क्या है, जावा, मतलब जावा के लिए स्पेसिफिकली होती है, जावा वर्चुअल मशीन ऑन विच एवर प्लेटफॉर्म इट इज बीइंग रन ऑन। मतलब इस दो लाइन का मतलब ये है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर एक जावा वर्चुअल मशीन होती है, एक्स्ट्रा लेयर होती है। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मेरा ओएस है, इसके लेयर जो है इसकी, ये मेरी जेवीएम है। जेवीएम क्या करता है, मेरे जो प्रोग्राम होगा, अभी हमें लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में कि कंपाइलर क्या करता है, जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको कंपाइल करेगा और हमें एरर्स बताएगा। अब एरर्स, आपने आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, वो कोड कन्वर्ट किसमें होगा, मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब मशीन लैंग्वेज में, और किसके पास जाएगा, मशीन के पास। मशीन के अंदर क्या होता है, मशीन मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर मैंने क्या बोला, लेयर होती है जेवीएम, जो कि हेल्प करता है बाइट कोड को, मशीन कोड को। बाइट कोड क्या होता है, जावा में जो मशीन कोड कन्वर्ट होता है जावा लैंग्वेज में, आगे पढ़ेंगे या भी समझो, जावा जेवीएम जो है ये कन्वर्ट करता है, इट हेल्प्स मशीन कोड टू कन्वर्ट इनटू अगेन हाई लेवल, मतलब आपके आउटपुट लाने में, जो आपका आउटपुट आना चाहिए, मतलब कि जो आपका रिजल्ट आना चाहिए इस प्रोग्राम का, उसको लाने में हेल्प करता है। और इसलिए ये, अगर ये जेवीएम हर प्लेटफॉर्म में होता है, इसलिए जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा हर प्लेटफॉर्म पे काम कर पाता है बिकॉज ऑफ जेवीएम। ठीक, जावा इज डिजाइन टू इजी एंड टू लर्न, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम कि हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्वियसली इजी होगी बिकॉज ये ह्यूमन रीडेबल होगी, यूजर फ्रेंडली होगी। इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओ, इट वुड बी इजी टू मास्टर। ये बहुत इजी लैंग्वेज होती है, अगर आपने एक बार इसके ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट का अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत ईजी हो जाएगी मास्टर करने के लिए। नेक्स्ट, सिक्योर। ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी कंप्यूटर में, आपको ही पता है आजकल साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, वायरसेस, हमको डर रहता है ये भाई हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा है इसमें वायरस ना आ जाए। अगर वायरस आ गया तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम हैंग भी हो सकता है, हमारा डेटा चोरी भी हो सकता है। तो फॉर दिस फीचर जावा इज बिल्ड सिक्योर, ये सिक्योरिटी बढ़ाता है। एंड जावा इसलिए सबसे ज्यादा चले कि इसमें सिक्योरिटी, हमारे जितने भी प्रोग्राम, जो भी हमारे डिटेल्स होंगी, हमारा कोड होगा, वो बहुत सिक्योर रहता है। ठीक है, इट इनेबल्स डेवलप वायरस फ्री टेम्पल फ्री सिस्टम। ठीक, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन पब्लिक की इंस्क्रिप्शन। अब ये सब क्या होते हैं, ये अभी आपके कोर्स में भी नहीं है और अभी आपको इतना समझना है। मेनली इस स्लाइड का मतलब ये है, इस क्लास, इस लेक्चर का मतलब ये है कि आपको फीचर्स ऑफ जावा पता होने चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा, सो यू हैव टू टेल देम दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट इज सिंपल, इट इज सिक्योर्ड लैंग्वेज, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज रोबस्ट। ऑब्वियसली जावा मेक्स एन एफर्ट टू इलिमिनेट एरर प्रोन सिचुएशंस बाय एम्फसाइजिंग मेनली ऑन कंपाइल टाइम एरर्स चेकिंग एंड रन टाइम चेकिंग। अब ये क्या है, का मतलब ये है कि जावा में जब एरर आता है, एरर क्या होते हैं, लास्ट टाइम पढ़ा था, एरर क्या होते हैं, जब हम प्रोग्राम में कोई गलती करते हैं, हमने कोई सिंटेक्स में गलती करी जो कि कंप्यूटर को समझ नहीं आ रही है, तब एरर आता है।
लेकिन जावा में क्या होता है, जावा में एक तरीके से एक एफर्ट डाला गया है जिससे कि एरर प्रोन सिचुएशंस को मिनिमाइज करा जाए, कम करा जाए, हटा दिया जाए। मतलब अगर आपके सिस्टम में एरर आ रहा है तो वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि ये एरर आ रहा है, आप इसको ये चेंज कर लो। ओके, तो दिस इज द रोबस्ट फीचर ऑफ जावा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, मोर फीचर्स। मोर फीचर्स में क्या आता है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, इट इज पॉसिबल इन जावा टू राइट प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। आपने पता, इस वर्ड का मतलब ही है मल्टी थ्रेडेड, नाम से समझ आ रहा है, जावा इज मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज जिससे कि हम एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम्स पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम इन जावा। इंटरप्रेटेड जावा बाइट कोड इज ट्रांसलेटेड ऑन अ फ्लाई टू नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्ड एनीवेयर। अगेन बाइट कोड, जावा बाइट कोड, आपको लग रहा होगा बाइट कोड क्या चीज है। बाइट कोड मतलब कुछ नहीं, जो आपने जावा कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जावा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, उस मशीन लैंग्वेज को जावा से कन्वर्ट हुई है उसको हम बोलते हैं बाइट कोड, जो कि जावा का मशीन कोड। इट्स ट्रांसलेटेड ऑन द फ्लाई टू नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शन एंड इज स्टोर्ड एनीवेयर। ठीक है, इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर मतलब ये कहीं भी स्टोर नहीं हो सकती है, नहीं होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस इज मोर रैपिड एंड एनालिटिकल सेंस द स्लिंकिंग एंड इंक्रीमेंटल एंड लाइट वेट प्रोसेस। इसका प्रोसेस बहुत लाइट होता है, इंटरप्रेटेड होती है मतलब सुलझी हुई लैंग्वेज होती है बहुत। ठीक है, ये फीचर। और नेक्स्ट फीचर इसका है हाई परफॉर्मेंस। इट इनेबल्स हाई परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बिकॉज इट अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंपाइलर जो उसका होता है एडवांस है, JVM भी इंस्टॉल्ड है, तो जल्दी जल्दी हमारे ट्रांसलेशन होंगे। तो जावा हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है यूजर्स को। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अगर आपका प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, अब मैं जावा में समझाऊंगी आपको समझ भी नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है अगर आपके पास आपका एक ग्रुप है, लेट सपोज 30 मेंबर्स है। ठीक है, 30 मेंबर्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 10 में 10 में 10 में। मुझे 5 टास्क करने हैं और मेरे पास 30 लोग हैं, 30 पीपल हैं। मेरे पास दो तरीके हैं, मैं एक टास्क परफॉर्म करने के लिए पहले पहला टास्क करूं, उसको मैं 30 लोगों को पकड़ा दूं, मैं कहूँ सब लोग अभी पहला टास्क करो, फिर जब ये कम्प्लीट होगा फिर दूसरा टास्क करना, फिर जब ये कम्प्लीट होगा फिर तीसरा करना, फिर चौथा करना। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, मैं 30 लोगों को 5 पार्ट में बांट दूं। 5 पार्ट मतलब 6 का ग्रुप कर दूं, ये 6 का ग्रुप कर दूं, ये 6 का ग्रुप कर दूं, ये कर दूं और ये कर दूं। इनसे बोलूं आप ये वाला टास्क करो पहला करो, आप दूसरा करो, आप तीसरा करो, ऐसे कर करके आप 5 करो। तो ये प्रोसेस सही है या ये प्रोसेस सही है? ऑब्वियसली हम अपनी डेली लाइफ में यही प्रोसेस यूज करते हैं, यही सेम प्रोसेस जावा इंप्लीमेंट करता है इन इट्स प्रोग्राम। अबे कैसे करता है ये हम जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम आपको समझ आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फीचर इज डायनेमिक। जावा इज कंसीडर्ड टू बी डायनेमिक सिंस इट इज डिजाइन टू अडैप्ट इवॉल्विंग एनवायरनमेंट। जावा डायनेमिक होती है। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में भी, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे। ये किसी भी एनवायरनमेंट में आपको अडैप्ट कर जाएगी। एंड डायनेमिक का मतलब क्या होता है ये हम वहीं पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इसके फीचर्स को ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज बाइट कोड एंड JVM। ये दोनों नाम अभी हम लास्ट स्लाइड में बहुत ज्यादा पढ़े तो इनके बारे में वो अक्सर आपके एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए मैंने अलग से आपको डेफिनेशंस लिख के दी हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि JVM क्या होता है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, मतलब इट इज अ लेयर ऑन दी, जब आपको मैंने डायग्राम में बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक लेयर होती है JVM मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसका नाम ही है जावा वर्चुअल मशीन। ऑब्वियसली मशीन ही है, लेयर का एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया था जिससे कि आपको समझ आए कि हाँ OS के आसपास होती है। ठीक, इट इज अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड रन टाइम एनवायरमेंट इन विच जावा वाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। वही मैंने बोला कि मशीन कोड जब आएगा जावा के थ्रू, जब कंपाइलर कन्वर्ट करके देगा, तो जो JVM है ये एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा जिससे कि ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो पाए और गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, OS को हेल्प करेगा JVM। ठीक, बाइट कोड क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट।
जो भी इंस्ट्रक्शन आपने अपने प्रोग्राम में दिए हैं, प्रोग्राम में दिए आपने जो भी इंस्ट्रक्शन सेट दिए हैं जावा के फॉर्म में, प्रोग्राम के फॉर्म में, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अब कन्वर्ट हो जाएंगे मशीन कोड में, देन इट इज नोन एज बाइट कोड। इन मोर एप्स टर्म, अगर हम और अच्छी लैंग्वेज में बोले कि जावा बाइट कोड जो होता है मशीन कोड होता है इन द फॉर्म ऑफ, जो ये बाइट कोड बनता है जो मशीन कोड कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपको ही पता है कि आप दो एक्सटेंशन करते हो, कोई भी फाइल बनती है, कोई भी कोड बनता है, तो आप उसमें एक्सटेंशन लगाते हो .pdf, .txt, .doc, .jpg, .png। ऐसे ही जब आप जावा क्लास बनाओगे, जावा का प्रोग्राम बनाओगे, तो आपका एक्सटेंशन रहेगा .java। और जब ये कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, जब ये कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, तो ये बन जाएगा हमारा .java से .class एक्सटेंशन, .class फाइल। और इस .class फाइल के वजह से जो बाइट कोड इसमें लिखा हुआ है, मशीन कोड लिखा हुआ है, ये जाता है JVM के पास, एंड JVM हमको एग्जीक्यूट करके देता है इंस्ट्रक्शंस को विद द हेल्प ऑफ OS, है ना। और इस वजह से जावा जो है हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इसको आपको, इन दोनों डेफिनेशंस को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ऑफनली पूछे जाते हैं, बहुत ऑफन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको पढ़ना है और इनको नोट कर सकते हो। वर्किंग ऑफ JVM इन बाइट कोड, दो डायग्राम्स के थ्रू मैंने छोटी सी जो मैंने क्लियर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है नहीं आती कभी कभार एक बार में, थोड़ा सा टिपिकल आप पहली बार पढ़ो, इसलिए मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि जावा सोर्स कोड, जो आपने कोड लिखा जावा में, अभी हम लिखकर देखेंगे, उसको आपने लिया, वो कंपाइलर के पास किया। कंपाइलर क्या है? जो कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर ने कन्वर्ट किया मशीन कोड में, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड से वो गया जावा वर्चुअल मशीन के पास, जावा वर्चुअल मशीन के पास गया, एंड जावा वर्चुअल मशीन कहाँ पर प्लेस्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है? हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। ये हमारा छोटा डायग्राम है। अभी क्या करेगा, अगर ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश करी है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी होगी प्रोसेस। अब अंदर क्या हो रहा है, डॉट जावा फाइल जो थी कंपाइलर ने डॉट क्लास में कन्वर्ट कर दी, कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर ने जब कन्वर्ट करी, ये जो बाइट कोड है ये कहाँ पहुंचा? JVM के पास। अब JVM तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, चाहे वो विंडोज का हो, चाहे वो मैक का हो, चाहे वो लिनक्स का हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। तो ये दिखाने की कोशिश है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका जो बाइट कोड है वो JVM के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। एंड दिस इज द एग्जांपल शोइंग दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। जावा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ JVM। JVM एग्जिस्ट एवरीवेयर इन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।